ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार शाम एक बस में आग लगने का मामला सामने आया है। इस हादसे में बस जलकर पूरी तरह खाक हो गई, लेकिन गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया गया कि ये बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी और यात्री दिल्ली से दरभंगा जा रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। बस में आग लगते ही यात्री तुरंत बस से उतर गए और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। हालांकि ये आग कैसे लगी, इसके कारणों की जांच की जा रही है। बताया गया कि यात्री छठ पूजा मनाने के लिए बिहार जा रहे थे। आग लगने वाली बस डबल डेकर थी। ड्राइवर और कंडक्टर से भी पूछताछ की जा रही है।